दोस्तों यदि आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरो बैलेंस मतलब यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। सबसे अच्छी बात है कि अकाउंट ओपन करने के बाद KYC कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे अपने अकाउंट का वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए, साथ ही आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आता है और OTP के माध्यम से ही आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो किस तरीक़ा से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों आप प्ले स्टोर से BOB वर्ल्ड को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद चलिए ओपन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस शो करेगा। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप अलाउ कर देंगे। अब दोस्तों आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है B3+ अकाउंट, आप यहाँ पर एक्सप्लोर बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपको इसमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आप B3+ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा, इसके अलावा फिजिकल डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। साथ ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी अकाउंट है, यहाँ पर है B3 एज अकाउंट और B3 अल्ट्रा अकाउंट, लेकिन ये दोनों अकाउंट ओपन करने पर आपको अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस रखना जरूरी है। चलिए हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर B3+ अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए एक्सप्लोर बेनिफिट्स पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर है ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर लिंक टू आधार, तो जो मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर के साथ लिंक है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही ईमेल आईडी फिलअप करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया होगा। चलिए यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे और अपना ईमेल ओपन कर लेंगे। आपको इस तरीका से एक ईमेल पर लिंक सेंड किया गया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्रोम को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब हम बैक चलते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अब यहाँ पर आपको OTP फिलअप करना है। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लीजिए। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में भी टिक कर लीजिए। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से एसेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है जनरल टर्म एंड कंडीशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एसेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है CKYC टर्म्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एसेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में आधार नंबर, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही पैन नंबर फिलअप करेंगे यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक लग जाएगा। यदि आपका यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगता है तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग अपना पैन नंबर किस तरीका से वेरीफाई करते हैं उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीका से आ जाएगा। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में भी टिक कर लीजिए। अब दोस्तों जो आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यदि OTP आपको इनवैलिड बताता है तो आप यहाँ पर रिसेंट OTP पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आपको यहाँ पर इनवैलिड बताता है तो आप बैक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए, इस बॉक्स में टिक कर लीजिए और यहाँ भी टिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ देखिए ओटीपी आ गया है। चलिए ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ ओटीपी फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डिटेल आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, साथ ही आपका आधार में जो फोटो है यहाँ पर वह फोटो आ जाएगा। साथ ही आपका यहाँ पर एड्रेस भी शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट ब्रांच, आप सेलेक्ट ब्रांच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रांच शो करता है, तो जो भी आपके आधार में डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है यहाँ से वह ब्रांच आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। चलिए इस तरीका से आप स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाएगा। पहला यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर टाइटल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिस्टर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर का फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम फिलअप करेंगे। जैसे कि आपके पिता का नाम है चंद्र किशोर सिंह, चंद्र आपका हो गया फर्स्ट, किशोर हो गया मिडिल और सिंह हो गया लास्ट नेम। यदि आपके पिता में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आप अपने मदर का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन है, तो आप यहाँ पर रिलीजन को सेलेक्ट करेंगे। आप रिलीजन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ डिपेंड्स, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से सेलेक्ट कर लीजिए आपके ऊपर में कितने फैमिली मेंबर डिपेंड है। यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो आप यहां पर जीरो फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी बच्चे नहीं है तो आप यहां पर जीरो फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहां पर है डिसएबिलिटी, आप यहां पर क्लिक करेंगे। यदि आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर लेंगे। इसके बाद यहां पर है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आप यहां पर जो भी आपका सिटी में जन्म हुआ है आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप यहां पर फिलअप भी कर सकते हैं। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर है एजुकेशन, तो आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर एम्प्लॉय हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर है एनुअल ग्रॉस इनकम, आपका साल भर में इतनी कमाई है आप यहां पर क्लिक करके फिलअप कर लेंगे, जैसे कि हम यहां पर फिलअप कर देते हैं। इसके बाद यहां पर है कैटेगरी, आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहां से सेलेक्ट कर लीजिए आप जनरल है, एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहां पर है ऑक्यूपेशन, आप यहां पर क्लिक करेंगे। अब यहां से आप क्या काम करते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप यहां पर ब्रोकर हैं या फिर बिजनेस आपका है, आप क्या काम करते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डिटेल्स, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का नाम फिलअप कर लेंगे। पहला यहाँ पर रिलेशनशिप, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी में जिसका भी आप नाम ऐड कर रहे हैं आपका उसके साथ क्या रिलेशन है आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी नेम, तो आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी का नाम, इसके अलावा नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। यदि आप नॉमिनी का नाम फिलअप करना नहीं चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम नॉमिनी का नाम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एड्रेस, तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर वह एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एड्रेस है उसी एड्रेस को आप नॉमिनी का एड्रेस भी रखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको इस तरीका से आ जाएगा। यहाँ पर है एडिशनल सर्विस, तो आपको क्या क्या सर्विस चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, तो यह सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड भी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई, तो आप यूपीआई का भी यूज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी शो कर रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू शो कर रहा है, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर सारा डिटेल आ चुका है। आप इस तरीका से स्क्रॉल कर लेंगे। यदि आपको यहाँ पर कोई डिटेल सही नहीं लगता है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूआरएन नंबर मिल गया है, आप इस यूआरएन नंबर को नोट करके रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल वीडियो केवाईसी, आप यहाँ पर शेड्यूल वीडियो केवाईसी पर क्लिक करके अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे फुल केवाईसी
कर सकते हैं। चलिए हम शेड्यूल वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है सेलेक्ट मंथ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन मंथ में वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट डेट, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जो डेट में आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम आ गया है, तो जो टाइम में आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं यहाँ से वह टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर है शेड्यूल वीडियो केवाईसी, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका वीडियो केवाईसी शेड्यूल हो चुका है, चलिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब वीडियो केवाईसी किस तरीका से हम करेंगे को आने वाले वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों आपने जो यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए डेट और टाइम सेलेक्ट किया है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वीडियो केवाईसी का लिंक सेंड कर दिया जाता है, साथ ही आपके ईमेल आईडी पर भी वीडियो केवाईसी का लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ ही ईमेल आईडी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कस्टमर आईडी साथ ही अकाउंट नंबर सेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से चेकबुक और एटीएम कार्ड सेंड कर दिया जाता है। पासबुक के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाना होगा, तभी आप पासबुक ले पाएंगे, लेकिन पासबुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग ऐप में पासबुक को देख सकते हैं और पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको कम्प्लीट प्रोसेस बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।